गाइस, हम खूबसूरत दिखने के लिए और जवान दिखने के लिए क्या कुछ नहीं करते, बहुत सारी चीजें खाते भी हैं और बहुत सारी चीजें अपने ऊपर लगाते भी हैं। तो बस आज मैं आप लोगों से ऐसे ही पांच चीजों के बारे में बात करने जा रही हूँ जो आपकी खूबसूरती को बढ़ा देगा, आपके अंदर की ताकत को बढ़ाएगा, जो आपके अंदर की पूरी बॉडी की वीकनेस थी उसको खत्म करेगा। आप पहले से ज्यादा फुर्तीला और चुस्ती फील करेंगे अपने शरीर के अंदर, साथ ही साथ बुढ़ापा आपको छू भी नहीं पाएगा। आपने अपने बड़े बूढ़ों को कहते हुए तो सुना ही होगा कि रात में अगर कोई चीज भिगोकर खाई जाए तो उसका फायदा 10 गुना बढ़ जाता है। ऐसे ही कुछ फूड हमारे लिए बने हुए हैं जिनको अगर हम रात को भिगोकर खाते हैं तो उनके फायदे 10 गुना बढ़ जाते हैं और हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदा देते हैं। उनके फायदे क्या क्या हैं, वो चीजें क्या क्या हैं, किस तरीके से खानी है, ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे होंगे। तो चलिए इन सब सवालों का आंसर देती हूँ और इन पांच चीजों को ध्यान से सुनिएगा और अपने डेली रूटीन में शामिल करिएगा। ये कुछ ऐसी पांच चीजें हैं जो आपके किचन में हमेशा रहती हैं, लेकिन हम उनको देखने के बाद भी नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि उनके फायदों के बारे में हमें नहीं पता होता। तो आज मैं उनके इतने बेहतरीन फायदे बताऊंगी कि आप खुद ब खुद वीडियो देखने के बाद अपने किचन में जाएंगे, वो चीजें हैं तो उनका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ जो बेल आइकन होता है उस पे ऑल पे क्लिक करें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आए तो आपको झट से मिल सके। तो इस बात का ध्यान रखिएगा गाइस। वो पहली चीज है अलसी। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। देखिए, अगर आपके बाल एकदम कमजोर हो चुके हैं या बालों की ग्रोथ होना एकदम से बंद हो चुका है, बालों में रफनेस आ गई है या बाल आपके सफेद होते जा रहे हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम को दूर करेगा अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से अलसी का सेवन करना शुरू कर देंगे। ये आपके बालों को लंबे समय तक काला रखता है, जो बाल आपके सफेद हो गए हैं उनको भी काला करता है, साथ ही साथ आपके फेस पे उम्र से पहले रिंकल और फाइन लाइंस नहीं आते। आप खुद देखेंगे कि आपकी एज बढ़ती जा रही है लेकिन आपके फेस का चमक, आपके फेस का जो नूर है वो डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। आपकी उम्र भी बढ़ रही है और आपके फेस का ग्लो भी बढ़ रहा है। इसके साथ साथ आपके बॉडी के बैड कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को स्टोर करता है। हमारी स्किन को, हमारे बालों को, हमारे पेट को बहुत बढ़िया रखता है। अगर आपको इनडाइजेशन की समस्या है, आपको बहुत हेवीनेस लगता है, तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएंगी। लेकिन इसका सेवन कैसे करना है, आपने लेना है 1 गिलास पानी, उसमें डालना है 1 चम्मच अलसी का बीज। अब इसको रात भर के लिए आप ऐसे ही ढककर छोड़ दीजिए। सुबह आपको उस पानी को पी लेना है, कोई उबालना नहीं, कोई कुछ नहीं करना, पानी एज इट इज सिप सिप करके पीना है और उन अलसी के जो बीज थे उनको भी चबा चबा कर खा लेना है। अब मैं बात कर रही हूँ दूसरी चीज के बारे में, वो है मुनक्का। मुनक्का आयुर्वेद में बहुत सालों से इस्तेमाल होता आ रहा है, वरदान है हमारे शरीर के लिए और हमारी शरीर की बीमारियों को दूर करने के लिए। सबसे पहले चीज, आज के टाइम में आप छोटे बच्चे को देखें, बड़े इंसान को देखें या नॉर्मल 25 से 30 साल के लोगों को देखें, हर किसी में आप ये प्रॉब्लम देखेंगे कि उनके अंदर होमोग्लोबिन की कमी होती है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं टैबलेट्स इनटेक करो, उससे हमारी खून की कमी तो पूरी होती है लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी होता है। आप ये मानते हैं जो पिल्स हैं वो आपको इंटरनली कोई ना कोई और बीमारी जरूर देंगी। तो ऐसे में सबसे अच्छा सोर्स है अपने अंदर खून की कमी को पूरा करने का, वो है मुनक्का। अगर आप लगातार मुनक्के का सेवन जैसे मैं बताऊंगी उस तरीके से करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपका होमोग्लोबिन प्रॉपर रहने लग जाएगा, आपकी स्किन पे अलग सा ही ग्लो दिखेगा, आपकी स्किन जो फीकी सी, वाइट सी, मुरझाई हुई सी थी उस पे आपको अलग ही चमक और नूर नजर आएगा, आपकी स्किन नेचुरल तरीके से पिंकिश होना स्टार्ट हो जाएगी। इतना ही नहीं, अगर आपकी हड्डियां भी कमजोर होती जा रही है तो वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मुनक्का हमारे शरीर की और दिमागी तौर पे जो भी हमें कमजोरी होती है उसको दूर करता है, हमें ताकत देता है। आपने अपने बड़े बूढ़ों को कहते हुए सुना होगा कि जो बच्चे छोटे होते हैं उनको मुनक्का वाला दूध दें जिससे उनके अंदर ताकत आए, उनको ठंड ना लगे, उनका इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे कि आपको कफ या कोल्ड जैसी शिकायत बार बार नहीं होगी, आपकी छाती में कंजेशन नहीं बनेगा, जिनको भी कफ पड़ने लगता है विंटर्स आते ही, तो वो मुनक्के का सेवन जरूर करें, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। इसके साथ साथ अगर आपको किडनी में स्टोन है तो वो भी ठीक हो जाता है। हमारे दिल को ये सुरक्षित रखता है, हमारे लंग्स को हेल्दी रखता है, तो मुनक्का आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। 10 से 12 दाने मुनक्के के 1 गिलास पानी में भिगो के रखने हैं, उस सुबह उस पानी को पीना है और मुनक्के को भी चबा चबा कर खा जाना है। गाइस, तीसरी चीज है खसखस।
विटामिन बी का भंडार है खसखस। खसखस आपके जितनी भी शरीर की कमजोरी होती है उसको दूर करता है। अगर आप हमेशा थका थका फील करते हैं, किसी काम में मन नहीं लगता या आपको हमेशा सुस्ती सी छाई रहती है, ऐसा होता ना कि जब भी हम बैठे हैं, नहा लिए हैं, पूरा सो भी लिए हैं, फिर भी सुस्ती आती रहती है, किसी काम में मन नहीं लगता, अगर आप लोग खसखस का सेवन शुरू कर दें, डेली अपने रूटीन में इसको शामिल कर लें, तो आप देखेंगे कि आपकी सारी प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से खत्म हो गई है। इसके साथ साथ ये हमारे अंदर सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ाता है। सेरोटोनिन हार्मोन बढ़ने से हमारा दिमाग शांत होता है। अगर आपको भी मेंटल स्ट्रेस रहता है, आपको क्यों, आजकल हर किसी की लाइफ में मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, चाहे वो ऑफिशियली हो या घर का हो, तो उस आप चीज में अगर आप खसखस का सेवन शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छी नींद आ रही है, आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो गया है, वो आपकी उलझनपन खत्म होती जा रही है। इसके साथ साथ इसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है, ये आपकी एक्स्ट्रा क्रेविंग को कंट्रोल करता है। अगर आपको हर थोड़ी देर बाद भूख लगती है, तो अगर आप खसखस का सेवन शुरू कर देंगे तो आपकी सारी भूख को कंट्रोल करता है, आपको बहुत लंबे समय तक आपका पेट भरा हुआ फील करवाएगा और आप एक्स्ट्रा खाने से बचेंगे, जिससे कि आपका वजन भी कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ हमारे बॉडी को डिटॉक्स करता है, जितना भी बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको निकाल कर बाहर फेंकता है और हमारे बॉडी को अंदर से क्लींस करने का काम करता है। जिन पुरुषों में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, वो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है अगर वो इसका सेवन डेली रूटीन में शामिल कर ले। आपको क्या करना है, एक चम्मच खसखस लेना है, पानी में रात को भिगोना है और सुबह खसखस को चबाकर अच्छे से खाना है और उस पानी को भी पी लेना है। ऐसा आपको रोजाना करना है, सुबह खाली पेट आपको इसी पानी का सेवन करना है। साथ ही साथ ये हमारे खून को भी साफ करता है, जिससे कि आपको पिंपल और एक्ने की प्रॉब्लम नहीं होती और आपका जो फेस है वो भी अलग तरीके से चमकना लग जाता है, क्योंकि अगर आपका खून साफ होगा तो आपको पिंपल एक्ने होंगे ही नहीं। चौथी चीज है हमारा मेथी दाना। मेथी दाना मतलब हमारे शरीर के लिए वरदान का काम करता है, हमारे बालों के लिए स्पेशली। आपने देखा होगा आज से पहले, कुछ टाइम पहले मैंने आपको मेथी ऑयल बनाना बताया था, जो आपके हेयर फॉल को स्टॉप करता है, आपके बालों को स्ट्रॉन्ग करता है, साथ ही साथ डैंड्रफ की समस्या खत्म होती है और इसके साथ हमारे बाल नेचुरली बहुत शाइनी हो जाते हैं। तो मेथी दाना अगर आप इस तरीके से इंटेक करेंगे तो आपके बाल बहुत ही अच्छे बनने लग जाएंगे। साथ ही साथ हमारी स्किन को बहुत ग्लोइंग बनाता है, जितने भी हमारी स्किन मुरझा गई है, रिंकल फाइन लाइंस की प्रॉब्लम आ रही है, उसको ये दूर करता है। अगर आपके भी जॉइंट्स में पेन रहता है, मसल क्रैम्प हो जाता है या आपके बॉडी में सूजन रहती है, तो ये सारी समस्या को बढ़िया तरीके से खत्म कर देता है। बहुत लोगों को अगर हाई बीपी की समस्या है तो वो भी इसका सेवन करें, इससे उनका दिल और बीपी दोनों कंट्रोल रहते हैं। साथ ही साथ आपके जीवन को एकदम स्वस्थ बना देता है, आप खुद देखेंगे कि आपका इम्यून सिस्टम बढ़ गया है। आपको क्या करना है, एक चम्मच मेथी दाना एक ग्लास पानी में रात को भिगोना है, सुबह मेथी दाना आपको चबा चबा के खाना है और उस पानी को भी पीना है, फिर देखेगा आप में होने वाले चेंजेस। अब बारी आती है हमारी पांचवी चीज की, जो है भीगे हुए चने। चने मतलब एग्जैक्टली जैसे घोड़े को चने खिलाते हैं, वो एकदम हिश पुश रहता है, चुस्ती रहती है, फुर्ती रहती है ना, वही चने हमारे शरीर के लिए भी बिल्कुल सेम काम करते हैं। आपने क्या लेने हैं, कौन से वाले चने, काले चने। काले चने सबसे पहले क्या करेगा, आपकी बॉडी को यानी आपके अंदर जितनी भी हड्डियां हैं उनको स्ट्रॉन्ग करता है, आपके मसल्स को डेवलप करता है, आपके जो टिश्यूज टूट जाते हैं जब आप थक जाते हैं तो आपके अंदर एनर्जी पैदा करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, आपके शरीर के अंदर कभी भी खून की कमी नहीं होने देता, आप अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत हल्का फील करते हैं, आपकी एक्स्ट्रा क्रेविंग को खत्म करता है, जिससे कि आपका वेट मैनेज होने लग जाता है। अगर आप इस तरीके से चने खाएंगे, जैसे मैं बताऊंगी, आप जिस दिन से इसको स्टार्ट करेंगे ना, उस दिन से आपको खुद इसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। आपके लंग्स को हेल्दी रखता है, आपके दिल को स्वस्थ रखता है, आपके शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है। अब बारी आती है मेन चीज की, कि आपको इसको इनटेक कैसे करना है, खाना कैसे है। अब आप कहेंगे मैं सारी चीजें तो एक साथ नहीं खा सकता, बिल्कुल ठीक है आपकी बात भी। आपको क्या करना है, जैसे अलसी को, जैसे मैं करती हूँ, मैं आपसे वही चीज शेयर कर रही हूँ, अलसी आपने एक हफ्ता लेनी है, फिर नेक्स्ट वीक से आप खसखस ले सकते हैं, उसके नेक्स्ट वीक से आप मेथी दाना और इस तरीके से चने और मुनक्का शामिल कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में। उससे क्या होता है, कोई भी अगर हम एक चीज लंबे समय तक खाते हैं तो हमारे बॉडी को हैबिट हो जाती है, तो वो असर करना बंद हो जाती है, उससे आपका रोटेशन चलता रहेगा, आपकी बॉडी पर उसका अच्छा इफेक्ट भी दिखेगा। और प्लीज रिक्वेस्ट है, जो आपके अंदर चेंजेस आए ना, प्लीज मुझसे शेयर करना मत भूलना। आपको मेरा ये प्यारा सा वीडियो कैसा लगा, उस जरूर कमेंट करके शेयर करिएगा। आपका एक कमेंट ना दिल को छू लेता है और नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट कर देता है। तो बस यही रिक्वेस्ट है, और बेल आइकन को प्रेस करते टाइम इस बात का जरूर ध्यान रखें कि ऑल पर क्लिक करें, क्योंकि आप लोगों की काफी शिकायत आ रही है कि वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, तो मे बी आप जो ऑल का बटन होता है ना उस पर क्लिक नहीं करते होंगे, तो उस ऑल पर क्लिक करें तो आपको सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। लव यू ऑल, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।